मोदी जी का फिर क्या होगा? मोदी जी जाए झोला वोला लेके। तो माहौल क्या है इस समय? इसमें इंडिया इंडिया गठबंधन का माहौल है। तो बाबू सिंह कुशवाहा निकल रहे हैं एकदम बम्फर रोड से। तो बसपा भी निकल रही है साहब, सैकी की साहब छोड़े मछली सार भी निकल रही है, साइकिल चल रही है। फूल के मारो गोली यार, फूल कहाँ से आए हुआ, कहाँ से तुम नाम ले लियो फूल का? क्यों नहीं कहेंगे? अरे जैसे ये गोदी मीडिया फलानी दिखाना ये सब बिकी है। कौन खरीदा है? अरे मोदी खरीदे हैं। मोदी मीडिया खरीदे हैं? हाँ पक्की बात है। पक्की। कौन बताया आपको? मैं बता रहा हूँ, सुनता हूँ। उसको क्या जरूरत है इतना फेयर करने की? फोर पी एम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे 5 चरण के मतदान के बाद क्या कुछ माहौल है। इंडिया गठबंधन जहां एक तरफ कह रही है कि पूर्ण बहुमत पा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का जो 400 पार का नारा है वो थकते दम नहीं ले रहा है। लगातार कह रहे 400 पार इस बार भाजपा सरकार बना रही है, 400 पार इस बार सीटें आ रही। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कह रही है कि काफ़ी ज़बरदस्त बढ़त इंडिया गठबंधन पा चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। दूसरी तरफ 6वें चरण के चुनाव की अगर बात कर ले तो मतदान 25 मई को है और मतदान से पहले आपने तमाम सारी चीज़ें देखी होगी। बीते समय पे आपको बता दूं तो जौनपुर के जो बड़े नेता हैं धनंजय सिंह जेल जाते हैं और उसी समय जिस समय जेल रहते हैं उसी समय उनकी जो पत्नी होती हैं उनको प्रत्याशी बनाया जाता है बसपा से। उसके बाद जैसे ही जेल से बाहर आते हैं टिकट भी कटता है, ये सब किसी से नहीं छुपा है। लेकिन इस समय आपको बता दें जौनपुर और आजमगढ़ दोनों जबरदस्त तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह है और वहीं बात करें पूरे देश भी इस समय देख रहा है जौनपुर और आजमगढ़ में क्या कुछ होगा। जौनपुर में हमारी मौजूदगी है, पब्लिक हमारे साथ में है, क्या कुछ होने वाला है पब्लिक सही जानता है और किन मुद्दों पर वोटिंग होगी इस पर भी बात करते हैं। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्या चल रहा भैया? भैया इस समय गठबंधन चल रहा है इंडिया वाला या इंडिया वाला? इंडिया वाला। मोदी जी वाला या राहुल वाला? राहुल वाला। अच्छा राहुल वाला। तो क्या मुद्दे हैं? मुद्दे भैया विकास है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, युवा जो भटक रहे हैं बेरोजगार के लिए उनके लिए ये इतनी बड़ी समस्या सबसे बड़ी है। स्वास्थ्य और बिजनेस बिल्कुल टूट चुका है। अच्छा एक बात करें, यहाँ पे तो जो मौजूदा जो सांसद है जो सिटिंग सांसद है वो बसपा से है, तो बसपा का इस समय माहौल क्या है? बसपा का भी अब जीरो है, वो तो हमारे ख्याल से वो चौथे पांचवे पे भी नजर नहीं आएगा। मायावती आई थी कुछ माहौल बना? कुछ नहीं, वो उनका कोई नेगेटिव कोई रूल ही नहीं, वो तो आपकी जो वाकई में अपनी जमानत बचा ले तो ये बड़ी बात। मायावती जी जो है जी जी, लेकिन यादव बिरादरी से है? कोई भी बिरादरी से कोई लेना देना? यहाँ भैया एक तरफा ये हो रहा है पूरे, यहाँ ऐसे कोई बात पार्टी नहीं की बात है, पार्टी की बात है। यादव वाला फैक्टर नहीं, 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 नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हम पूछ इंसर हैं पीछे साहब मना कर दे रहे। क्या चल रहा भैया माहौल, क्या चल रहा है माहौल? यही चल रहा है सपा का, सपा का जी। तो क्लियर कट इस समय आप लोग बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं? जी हाँ जीत रहे हैं। अच्छा मुख्य मुद्दे क्या हैं? अरे मुख्य मुद्दे बताए ना भैया जी, वही है। अरे मोदी जी का फिर क्या होगा? मोदी जी जाए झोला वोला लेके जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पर एक बात और हो रही थी कि बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो यादव बिरादरी से हैं, मायावती आके जा चुकी हैं, अगले दिन अखिलेश यादव को आना है, अखिलेश यादव भी आएंगे, तो कुछ फैक्टर असर करे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई यादव नहीं देगा श्याम सिंह यादव को, कोई नहीं कोई नहीं, सब कुशवाहा को, कुशवाहा को जी। अच्छा एक बात और हो रही, पीछे साहब बोल रहे हैं धनंजय सिंह जो है क्या इंटरनली सपोर्ट कर चुके हैं क्या समाजवादी पार्टी को? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ मुस्कुरा रहे हैं लेकिन ऐसी कोई बात कुछ नहीं। तो बात है मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है जो आप समझिए, लेकिन ऐसी कोई बात तो पब्लिक समझ जाती है ना, भाप जाती है। जी जी खुले में नहीं है, बाकी आप जो समझिए, हिडन कैमरे बहुत कुछ है। जी जी जी। अच्छा तो माहौल क्या है इस समय? इसमें इंडिया इंडिया गठबंधन का माहौल है। तो बाबू सिंह कुशवाहा निकल रहे हैं एकदम बम्फर रोड से। तो बसपा भी निकल रही है साहब, सैकी की सार छोड़े मछली सार भी निकल रही है, मछली सार जा बहुत अच्छे वोट से निकलेगी, वो किधर जा रही है? वो सब आएगी, सब इंडिया गठबंधन में आ रही है। इंडिया गठबंधन को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार क्या किया? कुछ नहीं किया। बेरोजगार बेरोजगार होगा, जब देखो पर्चा आउट हो रहा है,
है, यहाँ देखो क्या वो कोई माहौल नहीं है, न इनको विकास का मतलब है, न इनके कोई मुद्दे हैं, खाली ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। और जनता सब समझ चुकी है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहेगा, ना मंदिर रहेगा, ना कुछ, सब खत्म हो गया। अब मोदी जी स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, धारा 370, नमामि गंगे, नलकूप सबके पास 2000 रुपए, सारी बातें करते हैं, किसान सम्मान निधि की बात होती है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इस बार प्रत्याशी को एकदम आदमी, मतलब ये जो मतदाता है, एकदम माहौल बना लिया कि इंडिया गठबंधन को देना, चाहे किसी पार्टी से, दोनों से, कांग्रेस से आए, चाहे सपा से आए। आप चचा बताओ क्या चल रहा है? क्या बताए, जो बताए ने वो सही है। अगर मंदिर दबाव में तो नहीं है? हाँ, घेर लिए हैं आप? दबाव नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। हम तो भाई ऐसा है कि वोट उन्हीं को देते हैं, इनको सबसे हमारा वोट बना है, आज तक मैंने किसी को वोट दिया नहीं है। हम खेत जोतता हुआ किसान है, जब से हमारा वोट बना है तभी से हम वोट उसी को देते हैं। आप किसान है? हाँ, किसान नहीं है हम भाई, टेलर मास्टर है, यही मोहल्ले के रहने वाले टेलर है जी। टेलर के आपके जो मित्र है वो किधर जा रहे हैं? मंडली किधर है? सब इसी में जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन। हाँ, सब इंडिया या इंडिया? इंडिया भाई, पढ़े लिए हैं। साइकिल या फूल? साइकिल चल रही है। फूल के मारो गोली यार, फूल कहाँ से आए गोवा, कहाँ से तू नाम ले लियो फूल का? फूल का क्यों नाम ले रहे हैं? वो मर चुकी है, समझ रहे हैं कि नहीं? वो मर चुकी है। आप आगे आइए, आप बताइए क्या उम्र हो गई आपकी? हमारी करीब 90 तक जा रहे हैं। 90? तो कई सरकारें बनते बिगड़ते आपने देखी भी है। हम तो आजादी जब से भाई है तब से जाना था, जापान की जंग नहीं तब से आ जा रहा। सबसे बढ़िया सरकार कौन सी रही अब तक? कोई की ना रही, कोई की नहीं। तो अब की बना है अब की? हम तो कहते हैं कि वादे तो सभी करते हैं। हाँ, अब ये वादा कर रहे हैं नहीं कि बना दिया जाए। कौन वादा कर रहा, मोदी जी? नहीं नहीं, मोदी साहब तो बहुत फाउल, मोदी का तो नाम ही ना लीजिए, तो हिंदू मुसलमान करते हैं। नाम फिर लें किसका चाचा? अरे ये लोग, राहुल, राहुल है बस सामने, और इनके बाप दादा और भी थे, सेवा करते चले आए हैं, तो उम्मीद इनसे यही है। कांग्रेस से? हाँ, कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस लड़ नहीं रही तो साइकिल चाहे गठबंधन वाली? अरे वो गठबंधन है ना भाई, वो तो लड़ रही है। अच्छा आप बताइए किसकी बना है? हम तो पूछ रहे हैं आपसे, तो पूछने पूछिए ना, आप बताइए। हम क्या दादा बता दें, काहे ना बताएंगे? आप तो मीडिया है, क्यों वो तो बिकी हुई तो मीडिया नहीं है। ये चाचा कैसे आप कह सकते हैं? क्यों नहीं कहेंगे? अरे जैसे ये गोदी मीडिया फलानी देखा रहे, ये सब बिकी है। कौन खरीदा है? अरे मोदी खरीदे हैं, मोदी मीडिया खरीदे हैं। हाँ, पक्की बात है? पक्की। कौन बताया आपको? मैं बता रहा हूँ, सुनता हूँ। उसको क्या जरूरत है इतना फेवर करने की? हाँ, मोदी जी का जो फेवर कर, आप फेवर करेंगे तो आपको भी समझेंगे। दादा, तो मोदी जी कोई अच्छा काम नहीं किए हैं? नहीं, नहीं नहीं, अच्छा बहुत सा किया है, मगर हम मुसलमान हैं, ये हिंदू मुसलमान का देश मुसलमानों का नहीं है। देश मुसलमानों का क्यों नहीं है? तो कैसे कह सकते हैं हम मुसलमान हैं? ऐसे आपने किया, मायूसी थोड़ी चेहरे पे आ गई। हमसे उनसे उम्मीद नहीं है किसी चीज की, इसलिए कह रहे हैं। जैसे वो उम्मीद नहीं है क्या? लेकिन देश दादा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का है, सभी का है, तो सभी आपस में भाई। हाँ, सब भाई हैं, भाई है। और जो सबको मिला के चलेगा उसी की हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, जो सबको मिला करके चलेगा उसी को वोट दिया जाएगा। चाचा क्या चल रहा माहौल? अरे चाचा पान खाए, आप बता दो। अरे कोई बोल दो, कोई क्या चल रहा माहौल, क्या चल रहा? साइकिल गठबंधन, गठबंधन साइकिल। हाँ, इंडिया मजबूती से। हाँ, मजबूती से जी। एक बार फिर से बोल दो जी, तीन बार मजबूती बोल दे, मतलब मजबूती है। भैया किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? महंगाई, बेरोजगारी, और देश में मोदी जी ने जो हिंदू मुसलमान भाई जो नफरत की खाई बढ़ाई, वो सबसे बड़ा कारण है। यह देश हिंदू मुसलमान भाई सिख ईसाई सबका है। और यहाँ लोकतंत्र की हिंदू सबसे खूबसूरती यही है कि पहले जो राजा हुआ करता था वो रानी के पेट सोता था, अब जो राजा होता है वो जनता की ओर से होता है। तो आपने मोदी जी के लिए कह दिया कि लोकतंत्र की बात कर ली, संविधान की बात कर ली। पिछले 70 सालों को वो लगातार भाजपा के तमाम नेता हैं जो कोसते रहे कि 70 साल में देश लूटा गया, क्या लूटा नहीं गया? तो 70 साल जो कोसते रहे, 70 साल में बना ना होता तो बेचते कैसे? तो मोदी जी बेचने का बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, क्या बचा? क्या है तो प्राइवेटाइज किया, बेचते बेचते उन्होंने देश बेच दिया।
वो तो प्राइवेटाइज किया है। सरकारी थाना प्राइवेट क्यों की? तो उसमें तो आरक्षण मारा गया। अच्छा दादा एक बात बताइए, सरकारी नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी? मैं मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ। अपनी बिजनेस है जी? तो बिजनेस बढ़िया चल रहा कि नहीं? बेकार, सब बेकार हो गया। बिजनेस बेकार हो गया? बिजनेस वही चल रहा है जो अरबपति, जो 22 अरबपति हुए हैं गुजरातियों का चल रहा होगा, बाकी पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी परेशान है। तो बिजनेस, आम आदमी का जो छोटे बिजनेस थे, वो छोटे बिजनेसमैन की कमर किस वजह से टूटी है? जीएसटी कारण, जीएसटी नोटबंदी, दोनों नोटबंदी, जीएसटी नोटबंदी। जी जी जी। तो इस बार जो बनिया वर्ग है वो मोदी जी के साथ नहीं है? होंगे, लेकिन अधिकतर मैं समझता हूँ जो छोटे व्यापारी हैं वो तो नहीं है। छोटे व्यापारी नहीं है? जी जी। दादा आप क्या काम करते हो? हाँ भाई, बरसात में छाता बना लेते। छाता बनाते हो? हाँ। काम बढ़िया चलता है कि नहीं? नहीं, काम जो है बरसात में चलता है हमारा। वैसे दिक्कत होती है? हाँ, कुछ लोग ने हमारी जमीनें जफराबाद सिखवाड़े में हड़प ली। आपकी जमीनें हड़प ली गई? हाँ। कौन लोग हैं वो लोग? जो है बगल वाले हैं, और किसी पार्टी के हैं? हमारे भाई के लड़के, इमरान नाम है, और हमको हिस्सा नहीं दिए। 41/4 162। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना जफराबाद। जफराबाद थाने का। वोट डालने जाओगे? हाँ, वोट डाले जाओ। तो क्या लग रहा है, भाजपा को या साइकिल को या हाथी को कौन पसंद आता है? भाई हम मोदी को वोट देंगे। मोदी जी को? चलिए, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं आप। भैया किसको कर रहे हो, साइकिल, कमल या हाथी, कौन? साइकिल। साइकिल को? साइकिल को क्यों पसंद करते हो? साइकिल को क्यों पसंद करते हो? जिसमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। इधर महंगाई हो गया है तो उधर साइकिल महंगाई नहीं होता है? हम लोग ऑटो चलाते हैं, खाए कमाए में धंधा भी दिक्कत हो जाता है हर जगह। अच्छा, साइकिल ऑटो चलाते हो, पुलिस वुलिस वाले वसूली करते हैं कि नहीं? जी करते हैं। लाठी वाठी भाजते हैं कि नहीं? जी 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 भाजते। बड़ा मुस्कुरा के बता रहे हो, दर्द बहुत है। इस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द भी बता दो। क्या बात? ये जो लाठी है, जो वसूली है, ये किसकी सरकार में हट जाएगी? अगले तो ऑटो बांटते हैं ना, बांटे ये जब से मोदी आए तब से ये हाल हुआ है। आप सही बोले, जब से मोदी आए तो ये हाल हुआ है। तो गरीब आदमी जो है ऑटो चालक वो साइकिल के साथ जा रहा है, पक्की बात है जी। मित्र वित्र भी तो होंगे, आपकी पूरी मंडली होगी ऑटो वाली? ऑटो वाली मंडली? अरे मंडली मतलब मित्र तो होंगे, 10-15 मित्र। हाँ, दोस्त हैं? हाँ, हाँ। दोस्त क्या कह रहे हैं इस बार, मोदी जी या साइकिल? अब उनसे पूछिए ना क्या कह रहे हैं। दोस्त तो बातें करते होंगे ना? हाँ? दोस्त तो बात करते होंगे ना? नहीं, हम तो कोई बात नहीं। चलिए, बात नहीं होती है। ये पीछे भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। दादा क्या चल रहा माहौल, बसपा का, साइकिल का, या फिर फूल वाला, किसका चल रहा माहौल इधर? जो चल रहा है भैया बेहतर चल रहा है। बेहतर चल रहा है जी। मोदी है तो मुमकिन है यार, भाजो ये जो मोदी की जो गारंटी है वो भारी है, या कांग्रेस की गारंटी भारी? भारी किसकी गारंटी? मैं तो गठबंधन की हूँ एकदम साफ। कौन सा गठबंधन, एनडीए वाला या इंडिया वाला? नहीं नहीं, ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी वाला? जी जी जी। तो क्लियर कट राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को लोग इतना क्यों पसंद करने लगे? लोग तो पहले पप्पू बोलते थे, जो बोलता था वो बोलता, हम लोग नहीं बोलते। नहीं बोलते जी? क्यों नहीं बोलते? अब भाई वो अच्छा काम किया, हम लोग नहीं बोलते, हमारी निगाह में वो अच्छा है। कौन सा अच्छा काम किया वहाँ पे? देखिए संसद भवन से निकाले गए थे कि नहीं निकाले गए? तो नहीं, वो तो अपना, वो उनका काम है ना, वो अपना समझे बुझे, हम लोग हैं अपना वोट देके किनारे हट जाएंगे। किनारे हट जाएंगे? हम लोग अपना वोट देंगे, अपने रास्ते हो जाएंगे। अब वो वोट दे करके किनारे हट जाएंगे और राहुल गांधी की सीधे बात बोल दी है। तो राहुल गांधी को सबसे ज्यादा पसंद करने का मुख्य कारण क्या रहा आपका? मुख्य कारण ये कि महंगाई इस कदर है कि गरीब आदमी के आंख में आंसू है, बस। अब क्या हम बात से बात करें? तो जौनपुर की जनता भाजपा को साफ करेगी? अब देखा जाएगा, वो तो ऊपर वाला जाने ना। तो तैयारी पूरी है? देखा जाएगा, देखा जाएगा। देखिए देखने को तैयार हैं चाचा, देखने को तैयार हैं। तैयार हर आदमी, तैयार है हर आदमी, तैयार बैठे। बिल्कुल, जितनी महंगाई इसके दौर में हुई किसी के दौर में नहीं हुई। तो महंगाई मेन कारण है? 50 पैसे की माचिस 2 रुपए की, 4 आने की सुई 2 रुपए की, किसमें नहीं हुई, हर चीज में, कोई एक सामान में नहीं, हर चीज में। इंसान का जब पेट भरा रहेगा ना, वो तो गिट्टी में भी चला जाएगा, गिट्टी पे भी चलेगा, और जब इंसान का पेट खाली रहेगा तो संगमरमर में भी नहीं चल पाएगा। 5 किलो राशन दे तो रहे मोदी जी। मट्टी का तेल भी तो आप हमारा खा गए, सब सरकार में मट्टी का तेल भी आप खा गए, हमारी अरहर की दाल खा गए, हमारा सब कुछ तो आप खा गए, अब क्या बचा है? 5 किलो राशन से क्या होता है? 5 किलो राशन से क्या होता? भैया कुछ कह रहे थे जी, बताइए क्या कह रहे हैं भैया, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? साइकिल को भैया। साइकिल को क्यों भैया? पसंद है भाई, अखिलेश यादव पसंद है शुरू से। पूरे 27 फैमिली है, 2700 फैमिली को साइकिल पसंद है। 27 फैमिली आपकी? 27 फैमिली, सबको, चाचा बुआ सब
दादी दादा सब भैया गिरो नहीं गिरो नहीं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हादसा हो गया बीच में, बच्चा ऊपर चढ़ करके देखने को कोशिश कर रहा। तो क्या चल रहा भैया आप ही बता दो। बस एकदम गठबंधन, हम लोग एकदम तैयार हैं। कौन सा, इंडिया वाला या फिर साइकिल? भाई सीधा साइकिल, साइकिल चल रही है, साइकिल मजबूती चल रही है एकदम। एक तरफा जौनपुर के रहने वाले, कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। जौनपुर के रहने वाले, एकदम जौनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, जौनपुर में एक बात करें, धनंजय सिंह बड़े नेता माने जाते हैं, इंटरनली सपोर्ट किसको किए, भाजपा को या सपा को? इंटरनली भाजपा को किए, भाजपा को, भाजपा कर दिए एकदम, उनके समर्थक भी टेक दिए, घुटने टेक दिए बीजेपी के सामने। उन्होंने जब टेक दिया है तो भाजपा के तरफ रुझान जाना चाहिए, सपा को फिर कैसे जाए? इतना डर गए कि वो एक चुनाव लड़ना, वो टिकट उनका वापस नहीं हुआ, ये खुद वापस किए, ये खुद वापस किए टिकट। धनंजय जी अगर खो या उनकी वाइफ खुद से लड़ती तो आप लोग किसको सपोर्ट करते? वो हम लोग नहीं करते, जिसको करना होता वो करेंगे, लेकिन साइकिल की तरफ जा रहा है हम लोग एकदम झारे झार साइकिल की तरफ। देखिए साइकिल की तरफ रुझान है, आपने कुछ समय पहले देखा कि धनंजय सिंह जब जेल में जाते हैं तो समय उनकी पत्नी को टिकट दिया जाता है, बसपा की प्रत्याशी होती हैं, जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तो टिकट कट जाता है। लोग यहां तक कहते हैं कि टिकट धनंजय सिंह की पत्नी ने डर के कारण वापस किया। इस समय आप देख रहे धनंजय सिंह लगातार भाजपा को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अलग अलग प्लेसेस पर जब बात की तो पब्लिक के बीच में ये है कि इंटरनली समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दिया है, मीडिया में दिखता है भाजपा को सपोर्ट किया, तो सपोर्ट की बात नहीं है, लेकिन पब्लिक खुल करके इस समय कह रही है कि समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट जा रहा पब्लिक का। अब मुद्दे भी आपके सामने हैं, महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे रहे हैं और लगातार ये पब्लिक के बीच में पहले चरण से लेकर के छठवें चरण के मतदान के बीच में आप लगातार माहौल देख रहे हैं। 5 चरण का मतदान हो चुका है, 6वें चरण का मतदान 25 मई को होना है और 4 जून को आप देखिएगा कि सरकार क्या इंडिया गठबंधन मनाएगी या एनडीए गठबंधन मनाएगी या फिर जो लोग बात करते हैं मायावती एक बड़ा चेहरा बनेंगी और प्रधानमंत्री की भूमिका में कारगर साबित होंगी, तो क्या कुछ होगा ये तो 4 जून तय करेगा। फिलहाल जुड़े रहिएगा ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।